दीजिए मेरे सारा गांव, लाज कता है काम को होली खेले सारा गांव, छुपी है कब से राधा, जगी जीवा मिलन में फिर क्यों बाधा, जगी जीवा जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको कोई सीधी दवा, यदि हो तो कहो बुरी है ये बीमारी, जगी जीवा जगी जी मैं सतीश कुमार पांडे, अध्यक्ष जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी होली मिलन समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे संस्कृति विभाग के सौजन्य से प्रदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार आदरणीय किशोर चतुर्वेदी जी, स्वाति रिजवी जी, वंदना सिंह जी, दीपक सिंह जी के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और हमें आशीर्वाद देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी पधारकर हम सबको आशीर्वाद दिए हैं, और मैं अपने सभी साथियों को एक बार होली की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। खास सबसे जो अपने पहुंचे हुए मैं राम कुमार धानुक महामंत्री जवाहर भवन कर्मचारी महासंघ के यूनियन के पदाधिकारी, और मैं जो है विशेष ये है कि पाठक जी आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अवनीश गुप्ता जी आए थे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पूरे उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के सारे पदाधिकारियों को, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी जो जवाहर भवन इंदिरा भवन के परिसर में है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग आए, मान सम्मान के साथ जो है आशीर्वाद दिया है, और मीडिया के बंधुओं को मैं आशीर्वाद देता हूँ। कार्यक्रम इस तरीके से है कि कार्यक्रम को सबको जो है हम लोगों ने बुलाया है, अभी वो जो है आपके गादा गानी लोग आ गए हैं, अभी फूलों की होली होगी, और सांस्कृतिक विभाग से जो सहयोग हम लोग को मिला है मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सांस्कृतिक होली मिलन समारोह के लिए जो है बुलाया गया है, इस मारे जो है कार्यक्रम बुला गए, हर वर्ष होता है जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में हर वर्ष होली में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से सब कर्मचारी अधिकारी मिलकर के इस उत्सव को मनाते हैं, इसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मैं विशेष आभार संस्कृति विभाग का व्यक्त करना चाहूँगा, उनके सहयोग से कार्यक्रम होते हैं और उनके सहयोग से बढ़िया हो जाता है, विभाग में यहीं पर है इसका जवाहर भवन में, और ये देख रहे हैं आपने कितना उल्लास है, ठंडई लोग भी रहे हैं, एक दूसरे गले मिल रहे हैं, और जो ये सब गुलाल वाल लगा रहे हैं, अभी फूलों की होली होनी है, वंदना श्री जी वंदना से पढ़ा चुकी हैं, किशोर जी का हो रहा है, तो सुन रही आप हैं, मैं कार्यक्रम का संयोजक भी हूँ और कल्चर डिपार्टमेंट में सहायक लेखाधिकारी भी हूँ, तो अब मैं अपूर्व महामंत्री भी रहा हूँ, इसमें राज्य कर्मचारी महासंघ में भी हूँ, और ये घर का कार्यक्रम है, सब मिल जुल के काम करते हैं। मथुरा की जो होली रहती है, और क्या मथुरा की होली तो हर बार बुलाते हैं, वंदना श्री जी को हर वर्ष आती हैं, परिवार तरह मेरे हैं, अभी आ चुकी है, अभी कार्यक्रम आज एक घंटे बाद शुरू होगा उनका, और बड़ा आनंद आएगा, तमाम प्रकार के डांस नृत्य लोक गायन फूलों की होली आनंद आ जाता है। ये होली मिलन समारोह परंपरागत तरीके से हर वर्ष मनाया जाता है, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ इस प्रोग्राम को आयोजित करता है, इसमें इंटरनेशनल लेवल के कलाकार हर साल यहाँ पे नए नए कलाकार आते हैं, जिनके द्वारा ये होली मिलन की प्रस्तुति दी जाती है। हर साल कार्यक्रम होता है, इस बार क्या कुछ खास रखा है लोगों के लिए?
इस बार खास वंदना जी हमारे बीच में पोलू की और मथुरा से आई है वो अपनी पूरी टीम के साथ। खास अब मैं विजय प्रकाश श्रीवास्तव जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के संरक्षक हूँ। हम सभी लोग मिलकर हर वर्ष होली के त्यौहार मनाते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्म के कर्मचारी हैं और सब लोग यूनाइट होकर के एक मंच पर ला करके हम लोग मनाते हैं। मैं समाज कल्याण निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ का पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। इस होली मिलन समारोह में मैं आमंत्रित था, इसलिए मैं आया हूँ। अभी सभी कर्मचारी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपस में सब मेल भाव से रहें, जैसी हमारी लखनऊ की संस्कृति है, आपस में भाईचारा बना के रहें। और हम सब कर्मचारी जब भी कोई समस्याएं हमारे कर्मचारी हितों के लिए हैं, हम लोग एक साथ आवाज़ उठाएं। जो भी हमारे साथ अन्याय है उसके लिए खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।